नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धनतेरस पर और दीपावली से बाजार गुलजार हो जाते हैं, खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है और इस बार हैंडीक्राफ्ट चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मां लक्ष्मी की पूजा का भी इस त्यौहार पर विशेष महत्व है। इसके साथ ही धनतेरस के मौके से ही दीपावली के इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है और बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए इस बार धनतेरस पर करोड़ों रुपए का कारोबार भी होने की उम्मीद है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष रूप से महत्व भी होता है और धनतेरस के दिन सोना चांदी और कई वस्तुओं को खरीदना काफी शुभ माना जाता है और धनतेरस को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना नहीं चाहिए, ना ही नुकीली चीजों को खरीद कर घर में लाना चाहिए और इस दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि धनतेरस में खरीदारी को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रॉनिक सामानों की है और इसके साथ ही अब हैंडमेड जो प्रोडक्ट है वो भी आकर्षण का केंद्र बने हैं और हर साल की तरह इस बार भी सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कंपनियों ने नए नए मॉडल बाजार में उतारे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री इन दिनों एकदम से अचानक बढ़ गई है। साथ ही दीपावली पर लोगों ने घर की साफ सफाई और सजावट करना भी शुरू कर दिया है और आज धनतेरस के इस महापर्व को लेकर सुबह से ही बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, धनतेरस पर बाजारों में लोगों का हुजूम कैसा देखने को मिल रहा है, कानपुर से दीपक वो सभी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए दीपक, आज धनतेरस का महापर्व है और धनतेरस के दिन अक्सर लोग खरीदारी करते हैं और सुबह से ही बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तस्वीरें कैसे देख पा रहे हैं दीपक आप? जी, बता दें आपको, आज जो है धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के त्यौहार में अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में जो है जो भी बाजारें हैं वो पूरी जगमन है, लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, भीड़ जो है देखी जा रही है। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो ज्यादा लोग नहीं आ रहे। ज्यादातर कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो है शाम को ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अभी ज्यादा कुछ भीड़ नहीं है। लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ज्यादा लोग आ जा रहे हैं मार्केट में जो है खरीदारी करने। और कहा जाता है धनतेरस में जो है सोना चांदी बहुत माना जाता है कि खरीदा जाता है, जो शुभ होता है। लेकिन मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में इस बार इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जो है नई नई तरीके से उतार रहे हैं और उनकी डिमांड भी देखी गई है। तो बिल्कुल ठीक है दीपक, देखिए आज धनतेरस का महापर्व है और लोगों की भीड़ तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन शाम होते होते ये भीड़ और ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे में जो इस बार का मार्केट देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा डिमांड किन चीजों की जा रही है? मार्केट की बात की जाए, चीजों की डिमांड की बात की जाए तो ज्यादा कब ये देखा जा रहा है कि आज धनतेरस में लोग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसको देखते हुए सोना चांदी ज्यादा और इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो, क्योंकि घर की सजावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ज्यादा डिमांड रहती है। तो मार्केट में लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग इतने है नहीं कि उनसे हम बात कर सकें, लेकिन जैसे लोग आएंगे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि घर की सजावट के लिए लोग जो है दीपावली का जो त्यौहार मनाते हैं वो घर की सजावट के लिए ज्यादा सामान खरीदते हैं, वो मार्केट में ज्यादा करके जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है। दीपक, यानी कि बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन देखिए आपके पीछे की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार जो बाजार हैं वो लगने लग गए हैं क्योंकि अब धनतेरस का पर्व है तो लाजमी है कि अब से थोड़ी ही देर बाद लोगों का बाजार में आना भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में पटाखे की दुकानें भी लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन पटाखों को लेकर जो सरकार है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है, लाइसेंसों को चेक किया जा रहा है। ऐसे में पटाखों की जो फैक्ट्री है और जो पटाखों के दुकानदार हैं उनको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? दीपक, देखिए जिस तरीके से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का भी वायु गुणवत्ता ठीक नहीं है, वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा है। तो पटाखों की अगर बात की जाए आतंकवादी, तो साफ तौर से शासन प्रशासन का ये आदेश है कि गिने चुने लोगों को जो जिनको लाइसेंस दिया गया है वही पटाखे लगा सकते हैं और कम से कम पटाखे जलाने की प्रशासन ने अपील की है। लेकिन कानपुर में देखा गया है कि ज्यादा करके अवैध तरीके से पटाखे आतंकवादी बेची जाती है, तो इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस उन्हीं को लाइसेंस दे रही है जो लोग पहले
लगा चुके हैं, पिछले साल पटाखे बेच चुके हैं और इस बार जो है शासन प्रशासन और हाईकोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो है पटाखे और आतिशबाजी जो है वो बहुत कम लोग जलाएं, जरूरत पर जलाएं और इसके बाद ना जलाएं ताकि प्रदूषण जो है फैल ना सके, क्योंकि लगातार कई जिलों से ये खबरें निकल के आई कि प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है जिससे कि लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। और ये भी कहा गया था वायु प्रदूषण बोर्ड के नियंत्रण अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था जब जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले और मास्क लगा के निकले। तो ये देखा जाता है कि अक्सर दिवाली में जो है बहुत ज्यादा आतिशबाजी होते हैं जिससे कि वायु गुणवत्ता जो होती है वो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो देखिए हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि इस बार कानपुर के बाजारों में अगर सबसे ज्यादा डिमांड किसी चीज की हो रही है तो वो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के बाद से ही जो दिवाली का महापर्व है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ अयोध्या में तो तैयारियां जोरों शोरों से चल ही रही है क्योंकि अयोध्या में इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, वो भी 21 जो लाख है वो दिए इस बार अयोध्या में जलाए जाएंगे। तो जो दियों से अयोध्या तो जगमग एक अलग तरीके से होगा ही, लेकिन इसी बीच जो प्रदेश के तमाम अन्य जिले हैं वहां पर भी बाजार पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुके हैं। लाइटिंग से लेकर हैंडमेड जो चीजें हैं और आर्टिफिशियल फूलों की झालर से लेकर बंधनवार भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है और लगातार बीते दो दिनों की अगर हम बात करें और बीते दो दिनों की तस्वीरें भी देखें तो जो बाजार है वो खचा खच भरे हुए नजर आते हैं। और आज तो पर्व है, इस दिन लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तमाम चीजों को खरीदते हैं। सबसे ज्यादा आज के दिन सोने चांदी की डिमांड देखने को मिलती है, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आज के दिन लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी खासा फोकस करते हैं लेकिन नुकीली चीजों को लेने से बचते हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें, भगवान कुबेर की पूजा अर्चना विधि विधान से करें तो इसका एक विशेष लाभ मिलता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा का एक विशेष महत्व होता है और आज के दिन से ही जो त्योहार की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस और दीपावली से पहले ही बाजार जो है वो गुलजार हो चुके हैं और आज धनतेरस के मौके पर लोगों की भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। सोने चांदी के साथ ही आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी मांग हाई हो चुकी है। हैंडमेड सामानों के साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं लगातार लोग अब बाजार पहुंच रहे हैं, उनकी भी डिमांड कर रहे हैं। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन से ही कहा जाता है दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस के मौके पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो इसका विशेष लाभ देखने को मिलता है। और देखिए आज धनतेरस का पर्व है या धनतेरस का महापर्व यूं कहा जाए और इस दिन बाजारों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजार में लोगों की भीड़ अब आकर्षण का भी केंद्र बनी हुई है। देखिए कानपुर के बाद हमारे सहयोगी आशुतोष सुल्तानपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है और धनतेरस को लेकर ये कहा जाता है कि आज ही के दिन से दीपावली के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आप इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं और किस तरीके से लोगों की भीड़ बाजार में देखने को मिल रही है आशुतोष? बिल्कुल आपका कहना सही, धनतेरस और दीपावली का एक साथ है। वैसे भी सुल्तान तक साथ रौनक है, परंपरा लोग अपने दिवासी से निकले आए पढ़ाने की। अगर अंतर देखा जाए धनतेरस तो खास विशेष मार्केटों में भी रौनक देखने के लिए तमाम तरह की बातें हो गए, सोना चांदी हो गए या जहाँ पे मोटर साइकिल हो या बाजार है कोई भी आइटम विशेष तौर है खास धनतेरस को देखने मिलता है। साथ ही साथ जो है मार्केट ठीक है। आशुतोष आपके आसपास कई लोग भी मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं, प्लीज आप उनसे बातचीत करिए और जानिए कि इस पर्व का आखिर विशेष महत्व क्या है और आज के दिन लोग खरीदारी करते हैं, ऐसे में जो आपके पीछे लोग मौजूद है वो क्या कुछ लेने वाले हैं? है
आज धनतेरस है और हर जिलों में मनाया जा रहा है। आपके सुल्तानपुर में क्या खास किस्से की रौनक देखने मिलती है, क्या सबसे ज्यादा बिक्री होती है? लगभग लगभग धनतेरस में तो अधिकतर बर्तन सभी दिखते हैं, जैसा कि बर्तन हुआ भी हो गए, सोने चांदी के सामान हो गए, बाइक वगैरह हो गया और मिट्टी के बर्तन भी काफी समय देखने मिल रहे हैं और जो लाइट वगैरह भी हरी लाइट वगैरह देखा जाता है जैसे चाइनीज के आइटम लोग ज्यादा पसंद। लेकिन माननीय मोदी जी के कहने पर जो असर पड़ा है इस बार इधर काफी देखा जा रहा है, पहले से लगभग लगभग 80% बिक्री बढ़ गई है, जिसे मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाते अपने हाथ से उससे बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। चाइना का जो ज्यादा आता था उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारतीय मेड इन इंडिया जो हम लोग मोदी जी ने चलाया मेड इन इंडिया इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। क्या रौनक देखने मिलती है आपके सुल्तानपुर में, जिससे कि खास रौनक रहती है धनतेरस को लेकर, क्या खास रौनक रहती है आपके? रौनक तो रहती है लगभग दिन भर दिन भर, लेकिन ये सुबह टाइम जो बता दें आपको लगभग शाम को 7 बजे से लेकर लगभग रात में 2 बजे तक का अच्छी खासी चहल पहल मिलती है, देखने को मिलती है। और भी इसके अलावा क्या विशेष देखने मिलता है? लोगों को कहना होता है रात की 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मार्केट चलता है और पूरे साल में एक बार जो है आता है धनतेरस का त्यौहार, जो विशेष खरीदारी देखने मिलती है, तमाम तरह की जो है बर्तन खिलौने और भी आदि सामान देखने मिलती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे लेकर? इस पर लगभग बर्तन की बिक्री रहती है और जैसा सबकी अपना अपना बजट है, उधर के हिसाब से कोई कटोरी ले लिया, चम्मच ले लिया, मिट्टी के बर्तन ले लिए, खिलौने ले लिए, बच्चों के लिए अपने हिसाब से सब अपना काम करते हैं। महंगाई पे कुछ मार नहीं है? महंगाई मार क्यों नहीं है, लेकिन गाड़ी जिसको करना है करना है, साल भर में एक त्यौहार आता है जो लोग हर उल्लास से मनाते हैं, बाकी जैसे जैसे बजट जैसे हिसाब से काम करते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया है महंगाई तो है जरूर है, लेकिन महंगाई के साथ साथ लोग अपने बजट के अनुसार ही लोग वर्किंग करते हैं और खरीदारी भी करते हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें जिस तरह जो है धनतेरस का एक जो त्यौहार होता है वो भी लोग अपने मुताबिक ही जरूरत के सामान को लेके ही चलते हैं। ठीक है, देखिए आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार जिक्र किया जाता है कि हम लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि जो लोकल चीजें हैं वो ज्यादा खरीदें। क्या प्रधानमंत्री की इस अपील का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, जिस तरह जो है इस बार जो देखने मिल रहा है 90% देखा जा रहा है चाइनीज सामान का बहिष्कार जो हो रहा है वो वाकई सही चीज है, और मार्केटों में सबसे ज्यादा जो है दिए के सामान या बर्तन खिलौने के सामान जो होते हैं वो उस टाइप से सजा के उसको रखा जाता है और उसी को ही लोग जला के यूज करते हैं, उसी के प्रकाश की रोशनी मानी जाती है। लेकिन सही चीज भी अगर देखा जाए ऑनलाइन की 90% जो लोग खरीदारी करते हैं उसको ना छोड़ के इंडियन के सामान जो होते हैं, जो आपके आसपास के जिलों के सामान जो बेचे जा रहे हैं उनसे आप लीजिए, वो उनको भी एक खुशी का माहौल भी होता है, उनको भी एक अच्छा लगता है। हम गरीबों से जैसे कोई होता है सामान ले रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सुल्तानपुर में भी जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई थी कि हम लोकल सामानों को खरीदें, लोकल सामानों को बढ़ावा दें, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब लगातार जो बाजार है वो गुलजार हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी अभी तक लोगों के जहन में है। यही वजह है कि जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे सामान लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर लोगों का यह भी कहना है कि महंगाई की मार उनकी जेब पर पड़ रही है, लेकिन वो अपने बजट का ध्यान रखते हुए शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज के दिन अगर हम कोई भी गहना जेवर या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको लेकर ये कहा जाता है कि इससे हमारे जो धन है उसमें वृद्धि होगी, और अगर आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से शाम में की जाए तो कहा जाता है कि इसका जो विशेष लाभ है ये देखने को मिलता है। तो धनतेरस और दीपावली के पर्व पर जो बाजार है वो गुलजार हो चुके हैं। देखिए इस दौरान बाजारों में जो आर्टिफिशियल चीजें हैं और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल फूलों की झालर है और सबसे ज्यादा जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बाजारों में अगर हम रुख करें तो देखिए लगातार जो लड़कियां हैं, जो नौजवान पुरुष हैं, वो भी अब अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचते हुए नजर आते हैं और उनकी डिमांड इस वक्त बाजारों में काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। लोगों से खचाखच जो है वो बाजार भरे हैं, ऐसे में इन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लग सकता है कि जो धनतेरस है उसको लेकर लोगों में खासा आकर्षण भी देखने को मिल रहा है।
तो हैंडीक्राफ्ट चीजें भी अब आकर्षण का केंद्र बन रही हैं और लोकल फॉर वोकल, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंच पर यह जिक्र कर चुके हैं, इसका असर भी अब आम जनता पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो अब लोकल लोगों के पास ज्यादा पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन लोग शॉपिंग कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाजारों की तरफ ज्यादा कूच कर रहे हैं, जिससे जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी फायदा देखने को मिल रहा है। और आज धनतेरस का महापर्व है, धनतेरस के मौके पर लोग अक्सर ज्वेलरीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, तो इन दोनों ही दुकानों पर सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को इस वक्त मिल रही है। और आज के दिन धनतेरस है और धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, दीपावली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस का आज ये महापर्व यानी कि 10 तारीख को मनाया जा रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की उपासना भी की जाती है, और साथ ही इस दिन दीपदान का भी एक विशेष महत्व होता है, यानी कि इस दिन अगर हम दीपदान करते हैं तो उसका भी एक विशेष महत्व देखने को मिलता है। दीपावली से पहले आने वाले इस त्यौहार में लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि धनतेरस सबसे प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे पूरे देश या यूं कहें कि पूरे दुनिया भर में बेहद उल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन पर लोग कई तरीकों के धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आज यानी कि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की अगर पूजा अर्चना की जाए, और अगर घरों के बाहर या घरों के अंदर दिए और मोमबत्तियां जलाई जाए, तो उसका विशेष लाभ देखने को मिलता है। इस साल धनतेरस दीपावली के दो दिन पहले मनाया जा रहा है, यानी कि दीपावली 12 तारीख की है, लेकिन धनतेरस 10 तारीख यानी कि आज को मनाया जा रहा है। और हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का ये पर्व मनाया जाता है, और इस बार धन त्रयोदशी हम आज के दिन मना रहे हैं, और आज है 10 नवंबर। और धनतेरस के दिन लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और कई चीजें ऐसे खरीदते हैं जिसको शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन लोग नुकीली चीजों को खरीदने से बचते हैं। और आज के दिन ये भी माना जाता है कि अगर हम झाड़ू खरीदते हैं तो वो भी काफी शुभ होता है। और इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक पौराणिक कथा के मुताबिक कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, और कहते हैं कि तभी से धनतेरस का ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, और माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की भी विधि विधान से पूजा की जाती है, इसके साथ ही धन की लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और उससे पहले अब बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, धनतेरस को आज पूरे दुनिया भर में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के दो दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर भी कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं, लेकिन इसी बीच बाजारों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में कोई भी नया सामान खरीद के लाते हैं, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, गहनों के रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में हो, तो हम घर पर अपने लक्ष्मी को लाते हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन हम जो भी सामान खरीदते हैं उसकी दीपावली तक उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दीपावली की पूजा अर्चना होने के बाद हम उस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के दिन लोग बाजारों में पहुंचते हैं और झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि झाड़ू खरीदने से धन की प्राप्ति होती है। तो ताज नगरी आगरा से जीशान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, देखिए, बाजार गुलजार हो चुके हैं, लोगों की भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लगातार हर एक मंच से अपील की जाती है कि हम लोकल चीजों को बढ़ावा दें, क्या उसका असर ताजनगरी आगरा के बाजारों पर भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में आज पूरे देश में धनतेरस है, और धनतेरस को लेकर बाजारों में पहले से ही सजाया जा रहा था। वहीं अगर घरों की बात करें तो घरों को भी पहले से ही सजाया गया था, और आज धनतेरस है। धनतेरस वाले दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं,
तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, लाइटिंग होती है, उन चीजों की खरीदारी की जाती है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल्स में अगर बात करें तो लोग बाइकें और कारों की भी खरीदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं हमने प्राइम टीवी ने कल भी ताजनगरी आगरा के तमाम ऐसे बाजार थे, बड़े बाजारों को दिखाया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। और इस दीपावली पर्व की आज से शुरुआत हो गई है और धनतेरस का बड़ा महत्व माना जाता है कि आज ही के दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं। और देखिए, आज के दिन खरीदारी को हिंदू धर्म में काफी महत्व पूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम आज के दिन कुछ भी सामान खरीद करके अपने घर लेके आते हैं तो उससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए जिशान, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ताजनगरी आगरा के बड़े बाजार आप पहुंचे और उन बाजारों की तस्वीरें भी साझा की। सबसे ज्यादा डिमांड बाजारों में किस चीज की आपको देखने को मिली? देखिए बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो डिमांड जो रहती है वो मिट्टी की मूर्ति और दीपकों की डिमांड रहती है। हालांकि जो दीपक हैं आगरा के, वो दीपक अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या से भी तकरीबन 4 से 5 लाख दीपकों का जो ऑर्डर मिला है ताजनगरी आगरा वासियों को, वो दीपक जा चुके हैं। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा खरीदारी की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पीतल तांबे के बर्तन होते हैं और हर हिंदू समाज के लोग होते हैं, वो अपने घर पर एक ना एक सामान खरीद कर लाते हैं, जिससे कि धन की बरसात होती है। वहीं कह सकते हैं कि आज जो लोग खरीदारी करेंगे उसके बाद जो शाम तक, आज धनतेरस वाले दिन पूजा होगी और आज से इस पर्व की शुरुआत होगी। आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली, परसों बड़ी दीपावली, फिर जो गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, तो लगातार ये पर्व 5 दिन तक चलता है। और इस पर्व में पूरे देश में तक हर व्यक्ति आज के बाद से जो त्योहारों है उनकी झड़ी सी लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के साथ ही दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देखिए जीशान, अगर हम बाजारों की बात करें, बाजार तो गुलजार हो चुके हैं, लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। क्या व्यापारियों पर ऑनलाइन शॉपिंग का असर अभी भी पड़ता हुआ दिखता है क्या, और क्या महंगाई की मार बाजारों में दिख रही है जीशान? ये बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महंगाई की अगर मां बात करें तो महंगाई की मार जो आम लोग हैं उनके ऊपर पड़ती दिख रही है। तो साफ तौर से लोग बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनी पॉकेट मनी से लोग अपनी खरीदारी भी और जो लोग हैं वो चांदी के बर्तन और चांदी का सामान भी खरीदते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से लगातार देखा जाता है महंगाई की मार से इंसान कम खरीदारी भी कर रहा है और जिसकी पॉकेट है वो लोग ज्यादा खरीदारी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस दीपावली पर महंगाई की मार को देखते हुए लोगों में काफी निराशा भी देखी जा रही है। और लेकिन उसके बावजूद भी जिशान, लोग अपने बजट का ध्यान में रखते हुए बाजार पहुंच रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जिशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह, खासा उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों का इस पर्व को लेकर ये भी एक पक्ष है कि महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। शॉपिंग तो करना ही है, लेकिन हम अपने बजट का जो है वो भी ध्यान रख रहे हैं और बजट के मुताबिक ही हम शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व होता है। चूंकि दीपावली के 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह, उमंग देखने को मिलता है। इस दिन लोग बाजारों की तरफ कूच करते हैं, सामानों को खरीदते हैं, गहनों के रूप में सामानों की खरीदारी की जाती है। और कहा जाता है कि आज के दिन हम जो भी सामान खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल दीपावली की पूजा तक ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। यानी कि 2 दिनों तक हमें किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो भी हम आज के दिन खरीद के ला रहे हैं। और देखिए, आज का ये पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और आज ही के दिन धनतेरस के इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाजार सज चुके हैं, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और धनतेरस को लेकर कई कथाएं हैं। एक मान्यता के मुताबिक इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन कई घरों में धन्वंतरी की पूजा करते हुए तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कुबेर भगवान की उपासना की जाती है और विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करते हुए भी लोग इस पर्व को मनाते हैं। और धनतेरस का दिन महालक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर महाराज और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और आज धनतेरस का ये महापर्व है। आज के दिन एक तरफ धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, वही आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी सामान खरीद के लाते हैं उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए जो भी सामान हम आज खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल दिवाली तक नहीं करना चाहिए। चूंकि इस बार बाजारों में लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों का भी कहना है कि महंगाई की मार उनकी जेब पर पड़ रही है और इस वजह से वो बहुत खुलकर शॉपिंग तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि आज कुछ ना कुछ खरीदना होता है और इसका विशेष महत्व होता है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तो उस वजह से हम शॉपिंग तो करने पहुंच रहे हैं लेकिन हम अपने बजट का भी पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। कि बाजारों में खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट चीजें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, इसके साथ ही अब लोग हैंडीक्राफ्ट चीजों की तरफ ज्यादा कूच कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ ही लोग आज के दिन खरीदारी करते हैं और देखिए बर्तनों की दुकानें सज चुकी हैं। लगातार हमारे सहयोगी बाजारों का रुख कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं इस पर्व को लेकर व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोगों से अपील की थी कि आप लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। लोकल चीज़ों को बढ़ावा देने का असर अब बाजारों पर देखने को मिल रहा है और लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि वो ऑनलाइन चीज़ों का रुख थोड़ा कम कर रहे हैं, वो खुद बाजार आ रहे हैं और इस बाजार आने के जरिए वो अपने परिवार के साथ एक ज्यादा अच्छा और ज्यादा समय बिता पाते हैं। और यही वजह है कि आज इस पर्व को लेकर लोगों में खासा जोश, खासा उमंग और खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा बेहद ही धूमधाम से की जाती है, क्योंकि इसको लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दिन जो अमृत कलश है वो धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में लेकर निकले थे और यही वजह है कि आज के दिन भगवान कुबेर के साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है। तो हिंदू धर्म में धनतेरस का एक अलग ही महत्व है। इस दिन सोना चांदी समेत अन्य चीजों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस हिंदुओं के प्रमुख और बड़े त्योहारों में से एक है जिसे पूरे देश में बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पवन प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आप इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं और उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के साथ भी एक बार साझा करिए पवन। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आज पूरे देश में धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की जो तैयारी है वो मार्केट में और बाजारों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि ये मान्यता है, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो खरीदारी की जाती है और जैसे इसमें सोने चांदी आने जो चीजें खरीदारी की जाती है, ऐसी ये मान्यता है कि आज की खरीदारी के बाद लोगों में करीब 13% की जो वृद्धि है वो मानी जाती है। हालांकि इसके तो तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन किस तरीके से आज बाजारों में धन की वर्षा होगी, किस तरीके से लोग आज बाजारों में धनतेरस की खरीदारी करेंगे, निश्चित रूप से जो बाजारों की तैयारी है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरें साफ तौर पर, ये खास तस्वीरें हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए कि देखिये
किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में बाजार जो है वो सज चुके हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन देर शाम तक यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रयागराज है वो प्रयागराज में तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े बाजार है सजे हुए हैं, चाहे हम ज्वेलरी की बात करें, कपड़ों की बात करें, या तो मूर्तियों की बात करें, तमाम वो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रयागराज में जो बाजार है वो सज चुके हैं और किस तरीके से बाजार की तैयारी है। हालांकि यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी जो लोग हैं जो बाजार में खरीदारी करने के लिए निकलेंगे वो किस तरीके से बाजारों में आएंगे, ये भी सबसे बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो बाजार है वो पूरी तरीके से तैयार है। और धनतेरस में ये कहा जाता है कि जो धन के देवता है कुबेर, उनकी पूजा की जाती है, जो धन की देवी है उनकी पूजा की जाती है, तो देर शाम तक लोग भारी मात्रा में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर लोग हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लोग मार्केट में है किस तरीके से बाजारों में चाची आपने यहाँ पर दुकान लगा रखी है, किस तरीके से आप लोगों को क्या तैयारी है? तैयारी यही सब बेचना है, यही सब निकल रहा है मार्केट में, जो है जो बिक रहा है वही सब रखा गया है मार्केट में। आज धनतेरस का त्योहार है, इस त्योहार पे बिके उचित मात्र से दिया जाएगा। पवन आप इनसे जानने का प्रयास करिए कि क्या महंगाई की मार इस वक्त बाजारों पर पड़ती हुई दिखाई देती है क्या इनको? देखिए और भी लोग हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप लोग भी यहाँ मार्केट में है और आज धनतेरस आप लोग भी खरीदारी के लिए निकले, ऐसा क्या लग रहा है कि आप नहीं लग रहा है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे भारी पड़ रही है? यस सर, यहाँ तक कि हम लोग मतलब अगर पैसे नहीं रहेंगे तो आज हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते, इसलिए पैसे बहुत जरूरी है, हमें सामान भी खरीदने के लिए पैसे। और जब हम लोग बाहर निकले तो अपने खरीदारी अपने हिसाब से करें कि हमें यही सामान लेना है तो हिसाब से हमें उतना ही लेना चाहिए, हमें बाजार में मोहित नहीं होना चाहिए कि हमें और सामान लेना है, मतलब महंगाई कहीं ना कहीं असर कर रही। यस सर, यस बिल्कुल। मुस्कान देखिए और हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बाजार लगे हुए हैं और यहाँ लोग बाजार में जो है निकल चुके हैं। हालांकि देर शाम तक लोगों को अच्छी खरीदारी होगी और पूरे बाजार जो है वो सजे हुए हैं, चाहे हम ज्वेलरी की बात करें, कपड़ों की बात करें, या तमाम जो अन्य दुकानें हैं बाजारों की वो भी बात करें। हम और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बाजार सजे हुए हैं और किस तरीके से लोग आप यहाँ दुकान पर बैठे हैं, किस तरीके से तैयारी आप लोगों जो सामान बेचने के लिए रखे हैं बस उसी की तैयारी है। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए साफ तौर पर दिख रही है कि देर शाम तक जो लोग हैं वो बाजारों में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं देर शाम तक जिस तरीके से ये कहा जाता है कि धनतेरस पर धन की वर्षा होगी वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए पवन अगर हम धनतेरस की बात करें तो इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदते हैं, तो लाजमी है कि शाम देर शाम से जो लोगों की भीड़ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं पवन? शासन द्वारा ये इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, जो भी तमाम जो लोग हैं चाहे वो स्वयं सेवी संस्थाओं की बात करें या जिस तरीके से लोग हैंडीक्राफ्ट से जो सामान बनाते हैं, ऐसे में प्रयागराज में 2 दिन का मेला लगाया गया है। तमाम जो इस तरीके के लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट जो सामान अपने घर में बनाते हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनके लिए भी इस तरीके से प्रयागराज प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि लोग अपने जो हाथ से बने हुए सामान है उसको बाजारों में रखें ताकि लोग आज के दिन में इस तरीके से लोग इसकी बिक्री कर सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि जिस तरीके से पूरा देश जो है इस दीपावली के पर्व पर अच्छी आमदनी के लिए अपने सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, कुबेर जी की पूजा करता है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत साफ तौर पर दिखा रही है कि निश्चित रूप से बाजारों में धन की वर्षा होगी। और जिस तरीके से प्रयागराज में जो बाजार है बहुत सजे हुए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देर शाम तक बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिलेगी। हम इस समय एक और दुकान पर हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपने यहाँ पर इस तरीके से दुकान लगा रखी है, किस तरीके से उम्मीद लगाए आप लोगों ने, किस तरीके से बिक्री होगी? हम तो चाह रहे हैं कि मेरे अच्छे से अच्छे सबकी बिक्री हो जाए, हम तो यही कहेंगे। अभी तो सुबह का वक्त है, अभी लोग निकलेंगे तो देर शाम तक क्या उम्मीद है आपको? बहुत बहुत भीड़ लगती है। बिल्कुल देखिए तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखा रही हैं कि लोग यहाँ पर बाजारों में निकल रहे हैं। हालांकि देर शाम तक लोगों को जो दुकान लगाए बैठे हैं उन्होंने एक अच्छी आस लगाई रखी है कि देर शाम तक इनको अच्छी आमदनी होगी और बाजारों में लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर नजर आएगी।
ठीक है। देखिए पवन, आपने इन तस्वीरों को दिखाया और साथ ही ये भी दिखाया कि बाजार किस तरीके से सजकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपने जो तस्वीरें दिखाई उसकी एक खासियत ये थी कि महिलाओं के सशक्त होने की तस्वीरें भी इसमें साफ तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी दुकानों की तस्वीरें साझा की उसमें महिलाएं दुकानदार नजर आई। ऐसी तस्वीरें देखकर पवन कैसा लगता है जब बाजारों का आप रुख करते हैं तो? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी हाल ही में महिला विधेयक बिल पास किया गया, और ऐसे में जब बाजार, अब बिल्कुल आपका जो सवाल है वो साफ तौर पर लाजमी है किस तरीके से, जैसा कि अभी आपने पूछा कि बाजार में जितनी दुकानें हैं, बाजारों में हर दुकानों पर अमूमन एक महिला हमें नजर आई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर महिलाएं खरीदारी भी कर रही है, तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, और ये देखिए कितनी सुंदर सी मूर्ति है, और ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, ये खरीदा जा रहा है और देर शाम तक इनका पूजन किया जाएगा, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। आंटी जी, आप मार्केट में आई हैं और आपने मूर्ति खरीद रही है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का त्योहार है तो बहुत अच्छा लगता ही है। कौन से चैनल से? तो ठीक है, देखिए ये लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन देखिए पवन, लगातार ये भी अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि आप घरेलू चीजों को बढ़ावा दें, आप लोकल चीजों को बढ़ावा दें। ऐसे में आप जिस दुकान के सामने मौजूद है वहां मिट्टियों की जो मूर्ति है साफ तौर पर नजर आ रही है, और किस तरीके से ये लोग लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं जो दुकानदार मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए लोकल फॉर वोकल की अपील की थी, और जिस तरीके से उन्होंने अपील की थी, अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में साफ तौर पर तस्वीरें वो नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोगों से अपील की थी वो अपीलें साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, और तस्वीरें साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों के हाथों की बनाई चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी, चाहे हम इन दियों की बात करें, चाहे हम इन मूर्तियों की बात करें, ये शुद्ध मिट्टी से बनाई गई जो चीजें हैं वो बाजारों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत देश के लोगों से लोकल फॉर वोकल की अपील की थी वो बाजारों में कहीं ना कहीं दिख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है, महिलाएं बाजारों में दिख रही हैं, तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो रही है। बाजारों की बात करें, दुकानों की बात करें, तो जो महिलाओं की संख्या है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए शब्द बहुत साफ तौर पर बाजार में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन, तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज धनतेरस के इस महापर्व को लेकर हमारे सहयोगी बाजारों में उतर चुके हैं, बाजारों में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है ये भी लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और किस तरीके से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके बारे में भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो धनतेरस के इस पर्व को लेकर बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है, इस दौरान बाजारों में लोकल फॉर वोकल की डिमांड भी बढ़ गई है और लगातार अब लोग लोकल चीजों को खरीदने नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।